हेल्प करने वाली है आलू गोड़ने के लिए। पर आजकल पहाड़ों के इतने अच्छे नज़ारे हो रहे हैं ना, मतलब काम करने के बजाय इधर उधर देखने का ही मन कर रहा है। और हम तो फटाफटा सोच रहे कि वो वाला खेत नहीं पड़ जाता तो सही था। बढ़िया करके रेडी हो गया है तो हमारा लंच लगने वाला है। कॉटेज होम स्टे वगैरह बना रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक नए नए घर बन रहे हैं। ये देखो क्या, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दिखाई दे रही है। सामने है गेहूं के खेत, ऊपर रही मुक्तेश्वर वैली। और तो हमारा काम है इस वाले खेत को पूरा कंप्लीट करना, तो देखते हैं शाम तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आजकल इस पे ना सारे फ्लावरिंग हो रखी है, तो इसे ब्लूबेरी के नाम पे भी जानते हैं लोग। तो गुड मॉर्निंग जी, फिर से आप सभी का स्वागत है एक खूबसूरत सी सुबह में मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज 8 बजे मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और हमको जाना है आज खेत में आलू गोड़ने के लिए। तो बाकी तो खेत में ही दिखाऊंगी क्या होगा करके। तो सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, एक दो लोगों को बुला, देखते हैं एक आती है या दो आएंगे। तो खेत में निकलना है तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको आज के दिन के बारे में। ये देखो काश का सुबह सुबह पानी भी डाल रहे हैं मटर में। तो हम लोग आ गए हैं खेत में नाश्ता वगैरह करके। तो मेरे साथ आई है ललिता जो मेरे को आज हेल्प करने वाली है आलू गोड़ने के लिए। पर आजकल पहाड़ों के इतने अच्छे नज़ारे हो रहे हैं ना, मतलब काम करने के बजाय इधर उधर देखने का ही मन कर रहा है। और धूप भी अच्छी खासी आ गई है, तो पहले हम गोड़ते हैं आलू, क्योंकि हमारे वाले आलू में ना बहुत ही ज़्यादा घास हो रही है। ये इतनी ज़्यादा घास हो रही है, तो ललिता ने स्टार्ट कर दिया है और मैं भी करती हूँ। फिर मिलते हैं आपको बीच बीच में। और ये वाले खेत में हमारे पूरे सेब के पेड़ हैं, तो आजकल फ्लावरिंग हो रखी है। और ऊपर वाला जो पेड़ है वो नाशपाती का है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दिखाई दे रही है। सामने है गेहूँ के खेत, ऊपर रही मुक्तेश्वर वैली और नीचे रहे घर, और यहाँ से पहाड़ों का ऐसा नज़ारा। तो अब लोग हम लोग जाने लग गए हैं घर को, क्योंकि धूप की चमक इतनी खतरनाक लग रही है ना, और थोड़ा ही गोड़ पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा घास हो रही है हमारे आलू में भयंकर वाली। तो अभी धूप भी तेज है, तो चल रहे हैं घर को, लंच करेंगे और दिन में टाइम होगा तो आएंगे फिर। तो यहाँ पर हो रही है मटर की फसल तैयार, मतलब कुछ टाइम में तोड़ने लायक हो जाती है। और ऊपर से हैं आड़ू के पेड़, इस वाली सार में पूरी मटर ही मटर। तो अभी हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई, तो घर आते ही मैंने बनाया देखो पुलाव, जिसमें मटर और चावल मिक्स करके बनाया है। तो बढ़िया करके रेडी हो गया है तो हमारा लंच लगने वाला है। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर से मैंने कुटली उठा ली है और अब जा रहे खेत में। तो अभी ललिता नहीं आ रखी है, तो ये आ रखे हैं पीछे से आ रहे हैं, मतलब साथ देने के लिए, और थोड़ा गोड़ेंगे भी। और घर से निकल गए हम तो फटाफटा सोच रहे कि वो वाला खेत नहीं पड़ जाता तो सही था, क्योंकि एक ही संडे आता है और उसी में हमारी ऐसी वाट लगती है ना। तो जैसे हम अपने गांव के बीच से गुजरते हैं ना, तो बाहर वालों की बिल्डिंग्स इतनी लग गई हैं, मतलब अभी भी घर वर बनने में ही है। ये देखिए अभी इस वाले घर का काम नया नया शुरू हो रहा है, और पूरे पहाड़ ना मतलब बाहर वाले आ ही गए हैं। अब सारे लोग अपने कॉटेज होम स्टे वगैरह बना रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक नए नए घर बन रहे हैं। ये देखो इतने, देखो अब ऐसे इतने सुंदर पहाड़ों के बीच कौन नहीं आना चाहेगा, तो इसलिए ना बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो चलिए जी, हम भी खेत में पहुंच गए हैं और आज पूरा दिन खेत में आलू गुड़ाई का ही चले गया है। और हमारे आलू ना कहीं पर जम रखे हैं और कहीं पर नहीं जमे हैं। उसका कारण ये है
कि जो बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है यानी कि लाल मिट्टी है और बारिश भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है तो पूरा खेत सूखा सूखा हुआ है। इसके साथ साथ इतने ज़्यादा खरपतवार है ना, तो मेरे को ग्लव्स लगाने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि जो मिट्टी इतनी सख्त होती है ना वो हाथों में टकराती है तो हाथों में लगती है, तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहने हुए हैं। तो अब हमारा काम है इस वाले खेत को पूरा कंप्लीट करना, तो देखते हैं शाम तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं और बीच बीच में मैं वीडियो भी शुरू करूंगी जब मेरे को ऐसे मौका मिलेगा। और मेरा ये वाला फोन गिर गया है। तो फाइनली हमारे तीनों खेतों में आलू की गुड़ाई हो गई है, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है ना तो इसलिए ये आलू कम दिख रहा है, मतलब कहीं कहीं पे नीचे निकल रहा है इसलिए थोड़ा दूर दूर दिख रहा है। अगर एक बारिश मिल जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और नीचे की तरफ भी पूरी मटर ही मटर है और शाम भी हो गई है, यानी कि धूप जा चुकी है लास्ट पहाड़ी पर। तो चलिए जी, शाम के 6 बजने वाले हैं और आजकल थोड़ा सा दिन जो हो गए ना वो बड़े हो गए हैं तो इसलिए अभी भी बहुत ही टाइम जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 5 बज रहा है। जाड़ों के दिन पे 5 बजे ऐसा कुछ हो जाता है, तो आजकल गर्मी के दिन है तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और हमारे तीनों खेतों की गुड़ाई हो गई है, आज पूरा संडे इन खेतों के नाम और काम भी हो गया क्योंकि संडे मिलता है तो उस पर करना ही पड़ता है। और मेरे पीछे है किलमोड़ा, यानी कि किलमाड़ू भी इसको बोलते हैं, तो आजकल इस पर ना सारे फ्लावरिंग हो रखी है तो इसे ब्लूबेरी के नाम पे भी जानते हैं लोग। और बहुत सारे बच्चे मतलब कि जब इस पर फल आता है ना जामुनी रंग का उसको खाते हैं। और ये दवाइयों का काम भी आता है, मतलब इसकी जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, तो ये पीछे कुछ ऐसे झाड़ी भी है, साथ में हमारा खेत रहा ये और सेब में फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए फिर अब निकलते हैं घर के लिए। और घर जाने के बाद भी आजकल ऐसा हो रहा है ना, पानी वानी नहीं है तो पानी भरना पड़ रहा है हमें थोड़ा सा दूर, तो इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं जल्द ही आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।